वालेकुम बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने मार्च का पहला लर्निंग पैकेट किस तरह करना है सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे जहाँ जिस तरह लिखा फिर लेसन वन पे डेट लिखें और इसको सही तरीके से करने के लिए आप वॉइस नोट वन चलाएंगे जो व्हाट्सएप पर है आज का ऑब्जेक्टिव है जस्टिफाई करना दैट एयर इज अ मिक्सचर एयर मानी हवा एयर जो एक मिक्सचर है गैसेस का जिसमें मेजर जो पार्ट होता है उसका नाइट्रोजन से बना होता है नाइट्रोजन गैस से जो कि सेवनटी एट परसेंट एयर का होता हिस्सा होता है दूसरा इसका सबसे बड़ा पार्ट ऑक्सीजन होता है ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट जो होता है और तीसरी जो बहुत अहम गैस उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो 0.04% होती है एयर इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस की बनी हुई है दीस गैसेस आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड

वी नो हमें पता है दैट एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट्स कॉम्पोजिशन बनावट कैन ईजिली बी चेंज एंड सब्सटेंस विद इन एयर कैन भी ईजिली सेपरेटड सेपरेट का जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ वह बच्चों सेपरेट का मतलब है कि वो अलीहदा बहुत आसानी से हो सकती हैं सेपरेट होनादा होना फॉर एग्जाम्पल वन स्मोक एयर एंड फॉग मिक्स दे बेक स्मॉग एयर बिकम्स स्मोगी द स्का एयर स्मोक चौथी जो हवा में थी मिक्स विद रेनड्रॉप्स बारिश से मिक्स होती है और क्योंकि ये एक मिक्सचर था एंड ब्रिंग द Smoke smoke to Earth brings the smoke अब हम स्मोक टू अर्थ ब्रिंग्स द स्मोकिया टू पे attempt करेंगे these questions. तीन क्वेश्चन है इन टोटल टू शॉर्ट क्वेश्चन और वन लॉन्ग क्वेश्चन पहला शॉर्ट क्वेश्चन है what would happen वुड the परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन एयर इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ना और what would वुड का मतलब होता है क्या होगा क्या होगा अगर इफ़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज इन एयर एयर में इंक्रीज़ होती है बच्चों ये समझने के लिए हम समझेंगे कि हवा का हमारी दुनिया से ताल्लुक़ क्या है जो सूरज होता है सन सन की जो रेज़ होती हैं सन की जो रोशनी होती है वो अर्थ पर आती है रेज़ की फॉर्म में ये अर्थ की ये सन की रेज आ रही हैं अर्थ और ये अर्थ सन की रेस अर्थ को लग कर फिर वापस खला में चली जाती हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाता है वन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन एयर तब इन रेज के बाहर निकलने में दिक्कत होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन एयर फिर दीज रेज गेट ट्रैप्ड बाई द कार्बन डाईआक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर सी बना लेता है एक छत सी और ये रेज़ अर्थ को लगती हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड की छत को लगती हैं फिर वापस आ जाती हैं और इस्केप करने की कोशिश भी करें तो नहीं इस्केप कर पाती इसकी वजह से दुनिया का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में वो बढ़ जाता है द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग विच कॉजिज ग्लोबल वार्मिंग

हॉट रेज आर ए वाई एस हॉट रेज ऑफ द सन टू एस्केप दर एस्केप की स्पेलिंग है ई एस सी ए पी ई एस्केप दोसफेयर दोबारा पीछे जाकर सुन लें अगर आपको पूरा ना समझ आए और एटमोसफेयर की स्पेलिंग है ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई Full stop. The increased percentage of carbon dioxide results in an increased temperature on Earth. Full stop. This is called the greenhouse effect. Greenhouse. G-R-E-E-N. H O U S E affect E double -f, F E C T full stop The increased carbon dioxide creates C R E A T E S a layer that acts as a greenhouse to the hot rays of the sun The greenhouse effect causes global warming. Global warming, warming की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है. अगला सवाल है, How can we reduce carbon dioxide in air? How कैसे can we reduce हम कम कर सकते हैं carbon dioxide in air. इसका आंसर बच्चों बहुत सिंपल है. We can reduce carbon dioxide in air by planting more trees and reducing the burning of fossil fuels like in cars or factories. Factory ki spelling factories spelling F-A-C-T-O-R-I-E-S. इससे हम दुनिया बचा सकते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दें एयर में लेट्स सेव द वर्ल्ड बच्चों आखिरी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जस्टिफाई दैट एयर इज अ मिक्सचर जस्टिफाई का मतलब यकीन दिलवाएं कि एयर एक मिक्सचर है और हम इसको कैसे यकीन दिलवाएंगे आज जो हमने पढ़ा ये सारा टेक्स्ट जिसमें हमने फिलिंद ब्लैंक किया यही इसका आंसर है तो आपने ये पूरा आंसर इस सवाल के नीचे लिख देना है क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर हमने जस्टिफाई करना है और आज हमने यही जस्टिफाई किया इकट्ठे मेरी उम्मीद है बच्चों कि इस तरह वीडियो के साथ आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी ये काम करने की अगर इसमें भी अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा शुक्रिया